अब मौसम में बदलाव हो रहा है। शहर में लोगों को सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यह मौसम बीमारियों वाला होता है। गर्मी के बाद हल्की सर्दी शुरू होती है तो अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। ठंड के मौसम में लोगों को जुकाम बुखार जैसी आम बीमारियाँ होती हैं। इस मौसम में बदलाव के कारण हमारे इम्यून सिस्टम में भी बदलाव होता है। जब एकदम से मौसम में बदलाव हो जाता है तो हमारी बॉडी को इस मौसम के हिसाब से ढलने में वक्त लगता है तथा मौसम के हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ता है। मौसम को एडजस्ट होने में देर होने पर शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, जिसके संबंध में SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि जनपद में गुलाबी ठंड पड़ने लगा है, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल में सर्दी खांसी वायरल बुखार के मरीज आ रहे हैं तथा डेंगू का प्रकोप भी जारी है। डेंगू के मरीजों को जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर द्वारा टेस्ट कराया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में डेंगू के 35 मरीज थे, जिसमें कुछ लोग ठीक होकर अपने घर को चले गए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भरपूर दवाइयां उपलब्ध हैं, मरीजों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़ा पहने, अपने घर के आसपास कूड़ा करकट को साफ रखें, जहां पानी भरा हो वहां पर पानी को साफ कर दे और फुल आस्तीन का कपड़ा पहने तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा। सर, मौसम में चेंज हुआ है, सर्द गर्म हुआ है, किस तरह मरीज आ रहे हैं? सर, अब तो सर्दी खांसी के भी आ रहे हैं, बुखार के भी आ रहे हैं, वायरल बुखार, अधिकतर वायरल बुखार ही हम कहेंगे उसको। और इस मरीजों के आने पर हम लोग तो, चूँकि पहले डेंगू का प्रकोप रहा है और अभी भी है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फिर भी हम एहतियातन के तौर पर उन लोगों का, मैं दो दिन से ज़्यादा होते हैं तो हमारे फिजिशियन लोग उनका टेस्ट जरूर करा लेते हैं, स्क्रीनिंग प्लस कन्फर्मेटरी टेस्ट हम डेंगू एलाइजा से करा लेते हैं। सर, कितने मरीज हैं डेंगू? हमारे नवंबर में तो मरीज 35 थे हमारे पास अभी, और उसमें कई ठीक होकर चले गए। मैं नवंबर 1 से बात कर रहा हूँ, इस महीने की पूरी। सर, क्या स्थिति है जिला दवाइयों से? दवाइयाँ तो हम उनको अपनी तरफ से काफ़ी दे रहे हैं सर, और सारी सुविधाएं देख रहे हैं। आप चाहें तो डेंगू वार्ड्स में भी जाके देख सकते हैं। हाँ, एक आध मरीज खराब हो गए थे, उनको हम लोग प्लेटलेट्स पूरा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं प्लेटलेट, क्योंकि एज ए नॉर्म हम कर रहे हैं काम, प्लेटलेट्स हम जितना उनको ज़रूरत पड़ रही है हमारे फिशन आवश्यकता अनुसार दे रहे हैं। सर, शाम और सुबह सर्द मौसम आती है और दोपहर में गर्म, इसमें लोगों को बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए सबसे पहले तो भाई सर, आप उनसे ठंड से भी बचिए, और जहाँ गंदगी कूड़ा कबाड़ा है, पानी उनी का जमाव है, उसको आपको सही कीजिए और फुल स्लीप पहनिए। अभी मच्छर का प्रकोप अभी है, और मच्छरदानी के साथ सोइए, बाकी जो कुक पानी वगैरह पीजिए ताकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा ना हो, बाकी जो भी है, बाकी से अत्यधिक जो भी बीमार वगैरह पड़ रहे हैं वो हमारे फिजिशियन एक्सपर्ट ओपिनियन इसके संदर्भ में देंगे।